ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। नोटबंदी को एक साल पूरा हो चुका है। 8 नवंबर को मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद कर दिया था, जिसको लेकर विपक्ष पहले भी कई बार हंगामे करता हुआ आया है। इसी कड़ी में एक साल पूरा होने पर कांग्रेस ने इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया और नोटबंदी के दौरान मारे गए लोगों की आत्म शांति के लिए पूजा और हवन किया। कांग्रेस नोटबंदी को देश के लिए अभिशाप बता रही है। वहीं मोदी सरकार के दो कड़े फैसले नोटबंदी और जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। हवन कर रहे ये लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग हैं, जो आज तक भी नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि नोटबंदी से लोगों को आज भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये नोटबंदी को लेकर हमने बरसी बनाई है एक साल की। ये नोटबंदी ने जो व्यापारियों को दुख पहुंचाया, दुखी किया है, जो लोग बाग परेशान रहे हैं, मोदी ने जो देश का भंडाधार किया है, ये 2000 के नोट चला के कह रहा है कि भ्रष्टाचार को बंद करेगा, इससे तो भ्रष्टाचार और फैलेगा। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे मोदी का जो हिटलरी फरमान था, उससे बड़ी पीड़ा हुई है पूरे देश को। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि जो उस लाइन में जो लोगों की मृत्यु हुई है, हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया है। ऐसा जो व्यापारी दुप्ता जितने भी काम करने वाले हैं, सभी का कारोबार चौपट हो चुका है, अपने अपने बच्चों के खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब मुक्ति दे और नोटों को दोबारा जीवन दान दे, जिससे सभी कारोबारी का काम चले। आज हम सब मिल करके विरोध कर रहे हैं 8 नवंबर 2016 की उस भयानक रात का, जो मोदी साहब ने नोट बंद किए 500-2000 के। आज हमने हवन किया मंदिर में और व्यापारी वर्ग ने बैठ करके हवन करने का दो कारण है। एक तो जो काले दिवस हम बना रहे हैं उसके उपलक्ष में, दूसरा मोदी नामक जो दीमक है जो राष्ट्र को खाए जा रही है, इसको मुक्ति मिले हमारे देश को। इससे देश को भ्रष्टाचार और काले धन से निजात दिलाने के लिए मोदी सरकार ने नोटबंदी का रास्ता अपनाया, लेकिन अब भी कुछ लोगों के मन में सवाल यही है कि क्या काला धन वापस आया। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर